हम बहुत बार सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारे शरीर की ग्रोथ नहीं होती, पर क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में नाक और कान जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। यूं कहें कि शरीर के ये दोनों अंग लगातार विकसित होते रहते हैं, जबकि बाकी अंगों के साथ ऐसी बात नहीं है। हालांकि इसे कुछ लोग अफवाह मानते हैं तो कुछ लोग सच्चाई, पर इसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी हमारे फैक्ट नंबर 2 में। हमारी उम्र बढ़ने के साथ नाक और कान पहले की तुलना में कुछ बड़े या बड़े हुए दिखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बढ़ते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का असर बताया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये दोनों अंग लगातार बढ़ते हुए या शरीर में बड़ी जान पड़ते हैं। हमारे नाक और कान कार्टिलेज के बने होते हैं। लोग मानते हैं कि कार्टिलेज में निरंतर विकास जारी रहता है और इसमें वृद्धि नहीं रुकती। हालांकि सच्चाई यह है कि कार्टिलेज में किसी प्रकार का विकास नहीं होता। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि कार्टिलेज कोलेजन और अन्य फाइलर के बने होते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ टूटते हैं या कमजोर पड़ते हैं। कोलेजन या फाइबर के टूटने से ड्रिपिंग नाम की प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर में नाक और कान बढ़ते हुए दिखते जरूर है, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा दिखता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे नाक और कान नीचे की ओर झुकते जाते हैं। इस कारण इनके आकार में हमें तब्दीली दिखती है। टेक्निकल भाषा में हम कहें तो नाक और कान हमें बढ़ते हुए दिखते जरूर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनके आकार में बढ़ोतरी इसलिए जान पड़ती है क्योंकि बचपन की तुलना में आकार कुछ बड़ा हुआ दिखता है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल हमारा कान अपने मूल आकार से 1 मिलीमीटर का पांचवें हिस्सा तक खिंच जाता है। यह बढ़ोतरी बहुत कम है, लेकिन साल दर साल इसमें वृद्धि हो जाती है। यही हाल हमारी नाक के साथ भी होता है। यह हमारी उम्र के साथ बढ़ता जाता है। हमारा चेहरा भी दिनों दिन बदलता जाता है। त्वचा में सिकुड़न आने लगती है और धीरे धीरे हमारा चेहरा छोटा दिखने लगता है।